शॉर्ट पैसेज और ऐसे राइटिंग दोनों को एक साथ ही मान के आप चलिए, जैसे कि आपका सेक्शन होगा। अब मैंने आपको कहा था कि दो तरह के टॉपिक्स मेनली आते हैं आपके यूपीएससी कैडर्स सीएपीएल एग्जामिनेशन में, जिसमें एक होता है एग्जिस्टेड और एक होता है इमेजिनरी। इमेजिन से हम उसको कर सकते हैं, उसका कोई डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर आप देखें, धरती केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमन ओनली, पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं। तो ये जो है ऐसा कोई टॉपिक कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इसके पीछे आपका इमेजिनेशन होगा कि मानव को छोड़ के कौन कौन सी बातें की जा रही है, तो ये आपके इमेजिनेशन पर बनता है। इसमें दूसरा और एक टॉपिक देख लें, इसमें सामाजिक संबंधों पर सामाजिक माध्यम का प्रभाव पूरी तरह से इमेजिनेटिव, यानी कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल मीडिया का सोशल रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें ये आप अपने सोच पर अपने व्यवहार पर डिसाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसको आप एग्जिस्ट मान सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका, भारतीय सेना को भी जानते हैं, देश को भी समझते हैं, तो इसके राष्ट्र निर्माण की भूमिका को हम लगभग समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम दो पार्ट में सिर्फ डिवाइड करें और उसको करने के लिए क्या लॉजिक डेवलप करें उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। टॉपिक क्लियर है लोग? क्लियर है टॉपिक? दो तरह के टॉपिक कौन कौन से? एक एग्जिस्ट करता है, दूसरा इमेजिनरी। टॉपिक पूरी तरह से आपके आपके सोच पर डिपेंड करता है और एग्जिस्टेड टॉपिक आपके नॉलेज पर करता है। दो लेवल पर है, जो भी टॉपिक एग्जिस्ट करती है उसके लिए आपका नॉलेज चाहिए, और जो इमेजिनरी है वो आपका बिल्कुल सा कंसेप्ट चाहिए, किस तरह से आपकी मेंटल एबिलिटी है। तो ये दोनों ही टॉपिक के लिए अब आप कैसे करें, आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, बहुत इम्पैक्टफुल सजेशन। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जिसको आप लिखना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कोई कंटेंट रखिए, क्योंकि हम अभी एग्जाम के लिए आंसर नहीं लिख रहे हैं, हमें भी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपने जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से न्यूज़पेपर के कॉलम मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहे। न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे अच्छा क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में करेंट टॉपिक्स को पास्ट के साथ एक साथ रिकॉल करके लिखा जाता है, जबकि किसी भी किताब में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रिसेंट टॉपिक को ऐड नहीं किया जाता। आपने देखा होगा इसमें, जैसे आप मान लीजिए एक किताब पढ़ रहे हैं, तो इस किताब में जो प्रिंटेड कंटेंट है वो 5-6 साल पहले लिखा गया होगा, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में अगर आप सिर्फ एडिटोरियल को देख लें तो वो आज के बाद पिछले सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लिखा गया। इसलिए ऐसे राइटिंग के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि न्यूज़पेपर रीडिंग के सेक्शन को आप ज्यादा प्रेफर करें। इसके साथ क्या करना चाहिए, लिखने का तरीका बात कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या चाहिए। स्टार्टिंग में जो है जनरली स्टूडेंट जो है एडिटोरियल कॉलम में अपने आप को एंगेज करते हैं और उनको लगता है कि एडिटोरियल तो बड़ा हार्ड हो गया, उनको समझ में नहीं आता, वर्ड हार्ड होते हैं इसमें। तो ऐसा कोई प्रेशर मत दीजिए, आप सबसे पहले क्या करिए कि कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन पढ़िए जो टॉपिक जो है करंट से जुड़ा हुआ है, और उस टॉपिक को लिखने के बाद, लिखी नहीं, आप पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप पूरे टॉपिक को समझ कर उसमें 10 पॉइंट अपने चॉइस करिए, जिसको कहते हैं स्निपेट्स रूल। स्निपेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे बिंदु, और एक और दो लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 500 वर्ड पढ़ा आपने और ज्यादा से ज्यादा 10 जो है लाइनें लिखी, और 10 लाइन जो है वो स्निपेट्स मतलब छोटे बिंदु, मुख्य बिंदु। अब आपने जो मुख्य बिंदुओं को 10 पॉइंट में लिख लिया, अब जो है उस पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, अब आप सिर्फ इन बिंदुओं को देखिए। आपने जो भी पैरामीटर्स पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हीं को रिकॉल करके उसको डिस्क्राइब करें। जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन पावर और इमेजिनेशन दोनों ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे राइटिंग के सेक्शन को ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है वो होता है, स्टार्टिंग में जब आप लिखेंगे इसमें तो स्टार्टिंग के अर्ली डेज 1-2 डेज में होते हैं, आपको लगता है कि अरे ग्रामर का मिस्टेक हो रहा है, वर्ड नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहा है इसमें। आधे लिखते लिखते आप लोग जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज करते हैं। इस समय थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम सभी के साथ। स्टार्टिंग में आपको इस बात का डिसाइड करना है, बस 200 वर्ड का लिखूंगा लेकिन कंप्लीट लिखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं 500 वर्ड का लिखूंगा, 200 वर्ड का ऐसा लिखूंगा लेकिन कंप्लीट लिखूंगा, इस बात का ध्यान। अब आप सोचोगे ऐसे 200 वर्ड का कैसा हो, शॉर्ट पैसेज मानिए इसको, जैसे कि एग्जामिनेशन पहले 600 का डिमांड करता था, कितना डिमांड कर रहा है इसमें देखिए, 300 वर्ड का कर रहे हैं, शॉर्ट पैसेज लिखिए। अब मान लेते हैं 300 नहीं लिखा जाता, 100 वर्ड लिखिए लेकिन वो कंप्लीट लिखिए। अगर आपने इसको लिखना सीख लिया तो उसका फायदा क्या होगा, आपने देखा होगा इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बनाया कि मोबाइल बनाया, कंप्यूटर साइज बड़ा होना जरूरी, बड़े साइज को अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो फिर बाद में प्रेसिंग में भी आपको हेल्प होगा। सीधे प्रेसिंग नहीं किया जाता है, प्रेसिंग मींस द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इवन इट इज सुपीरियर देन रीडिंग द पैसेज।
रीडिंग करना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है। तो जब आप ग्रेजुअली चीजों को कमांड कर लेंगे इसमें, तो प्रेस ही एक लास्ट पेज होता है जिसमें कि हम वर्ड के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे इसमें, और किस तरह से वर्ड को कटआउट करके उनके शॉर्ट फॉर्म को लिखने की बात करेंगे। तो मेरा आज का सजेशन ये है कि किसी भी पैसेज को पढ़ना है आपको, न्यूज पेपर को ज्यादा पढ़ने का फोकस करना है, क्योंकि न्यूज पेपर करेंट और रिसेंट इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। कोई भी किताब जो कि 5-6-10 साल पहले लिखी गई इसमें, उसमें कोई रिसेंट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होता। अगर बाई चांस होता भी है, मान लेते हैं 2022 की एक पब्लिकेशन आई है आपके पास, तो अभी चल रहा है 2022 फरवरी, ये पब्लिकेशन में जो कंटेंट लिखे गए हो 1 साल तो पुराने होंगे। तो 1 साल पुराने का कंटेंट अगर आप ऐसे में लिखेंगे इसमें, तो कंटेम्प्रेरी नहीं होगा। इसलिए किताब ऐसे लिखने के लिए किताब से ज्यादा आपको न्यूज पेपर के आर्टिकल्स एडिटोरियल्स तो करना ही चाहिए, लेकिन स्टार्टअप फेज में आपको एक ऐसे पैसेज को लिखना चाहिए जिसमें टॉपिक बड़ा अच्छा है, सोशल टॉपिक है, जो मैंने बताया आपको किस तरह से टॉपिक्स आते हैं, और फिर उनके ऊपर पॉइंट्स लिखना चाहिए। इसको कहते हैं स्निपेट्स। क्या कहते हैं? शॉर्ट पॉइंट स्निपेट्स। अब फिर पॉइंट्स को लिखने के बाद पैसेज छोड़ दीजिए। अब कहिए कि 10 लाइन को मुझे इनोग्रेट करना है 200 या 500, लिखने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में उसका क्वालिटी कम होगा, ग्रेजुअली क्वालिटी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? इम्पॉर्टेंट लेसन है, करके देखिएगा और इसको लिखने के बाद एक बार चेक करा लीजिएगा।